मैं यहाँ पर कंगना रनावत की तारीफ करने नहीं आया हूँ, लेकिन संजय सर आपको थोड़ा सा कंगना का अध्ययन करना चाहिए था कि मतलब आप वीआईपी है, महाराष्ट्र के वीआईपी है, लेकिन आपने उसके बारे में इतना बोल दिया कि सरकार ने उसको वीवीआईपी बना दिया। वाई प्लस की सिक्योरिटी उसके पास में, जो कि आपके पास भी नहीं होगी, वाई प्लस की। उसके पहले उनका जीवन एक्स वाई जेड था, लेकिन अब वो एक्स हो गया, वाई सिक्योरिटी आ गई, और वो अब अपने विरोधियों को जेड जिंदगी झेड़ कर सकती है उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना ने जो भी कहा होगा उसमें 90% सच्चाई होगी, 10% कुछ अगर गड़बड़ लग रहा था आपको तो बैठ के मामला सॉल्व कर किया जा सकता था, लेकिन आप कंगना के तो पीछे ही पड़ गए। कंगना मतलब एक जेवर का नाम होता है, एक आभूषण का नाम होता है, और जेवर और आभूषण जो है वो सुशोभित ही करते हैं हर चीज़ को। देखिए ना, बारिश इतने दिन तक आ रही थी, अब उसके आने से बारिश खत्म हो गई, रेन आउट हो गई। कंगना के आने से रेन आउट हो गई, तो आप उसका पीछा मत करो, आप रन आउट हो जाओगे। संजय जी, मैं आदरणीय संजय जी को बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत थी उसके दफ्तर तोड़ने की? हाँ, जेसीबी को लेकर आए। अरे वो जेसीबी थी हमारे देश की बेटी, थी हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की एक होनहार कलाकार थी, है। जेसीबी ले आया, उसको तोड़वा दिया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें बीएमसी है या उसका उल्टा सीएम भी है, उसमें शामिल सीएम भी है। तो मैं इस चीज़ पे 3-4 लोगों की ज़रूर राय लूँगा, खासकर यूटीवी, उद्धव ठाकरे विजन, या एटीएम, आदित्य ठाकरे मिनिस्ट्री, या हमारे फेवरेट आरटीओ राज ठाकरे ऑर्गेनाइजेशन का भी, मैं इसमें इनकी राय चाहूँगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि अब तो न्यूज़ में इतनी छा गई है, इतनी हिट हो गई है, इतनी सुपरस्टार हो गई है, कहने का मतलब ये कि बात छोटी सी थी लेकिन वो बहुत खुद ही आपने बड़ी बना दिया। और न्यूज़ वालों के हिसाब से देख रहा हूँ कि रिया तो अंदर चली गई, तो रिया का ख़त्म हो गया सुनहरा दौर, रिया का ख़त्म हो गया सुनहरा दौर। संजय जी, आपकी वजह से कंगना बढ़ रही है अपने गोल्डन पीरियड की ओर।